इस गेम में एक प्लेयर ने हेडफोन पहना होगा जिसमें म्यूजिक चल रहा होगा। सामने वाला प्लेयर उसे कुछ सेंटेंस बताएगा और उसे वो लिप सिंक से समझना होगा। पूछ। चलो रेडी करण, तुम्हारा सेंटेंस ये रहा। झूठ बोले भेड़िया काटे। तेजू गाना बज रहा है। तेजू तुझे कसम है जिंदगी में कभी खाना मत बनाना मेरे लिए। सच बोलना नहीं है यार। हाँ सॉरी, झूठ बोले भेड़िया काटे। तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी। ऐसे इतना झूठ नहीं बोलना लाइफ में। ये समझ में आया। झूठ बोले भेड़िया काटे। झूठ बोले बहू वड़ा पाव खा ले। क्या झूठ बोले? एक सेकेंड। झूठ बोले भेड़िया काटे। शक्कर डाले। झूठ बोले शक्कर डाले। सेंस बन रही है इस चीज की जो तू बोल रही है? सस्पेंड बोल रही है क्या? झूठ बोले भेड़िया काटे। झूठ बोले भेड़िया काटे। अरे सच्ची बज रहा है यार। इतना लाउड बज रहा है। मेरा इधर तक बज रहा है यार। लास्ट आ जा तेजा। मेरे जूते चोरी हो गए। दोबारा बोल। मेरे जूते उसको लगा ये गाली दे जा रही है। तू कौन सी भड़ास निकाल रही है? मेरे जूते चोरी हो गए। मेरे दिमाग में वही आ रहा है जो ये रोज रात को बोलती है मुझे। अच्छा एक बार अच्छी तरह मेरे जूते चोरी हो गए। सो हो गए। चोरी हो गए। मेरे जूते चोरी हो गए। पर एक बात बताओ, मजा बड़ा है। अभी नेक्स्ट कौन है? हर्ष बता। हर्ष भारती और उसके जैसे ही राजीव छोटा हाथी। आइए भारती बोलेगी। भैंस की पूछ। भैंस की पूछ तेरी माँ। अरे भैंस की पूछ। भैंस नागिन। भैंस की पूछ। भैंस की पूछ। स्लोली बोल। कितने प्यारी लग रही है। भैंस। हाँ ओ भैंस की पूछ। आइए और जाइए। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके अभी राजीव आपका। अच्छा रेडी। हर्ष की मूछ गधे की पूछ। हर्ष की मूछ गधे की पूछ। हंस के पूछ। हर्ष की मूछ गधे की पूछ। हर्ष। हर्ष ना। हर्ष। हर्ष की मूछ गधे की पूछ। आगे बोल। हर्ष की पूछ। हर्ष की पूछ गधे की मूछ। हर्ष की मूछ। हर्ष की मूछ में पूछ। हर्ष की पूछ गंदी। हाँ पूछ कहाँ से आ गई मेरे को? हर्ष की मूछ गधे की पूछ। हाँ हर्ष की मूछ गधे की पूछ। गधे तो मैं हूँ। हर्ष की पूछ गधे की पूछ। हर्ष की पूछ। हर्ष की मूछ। हर्ष की मूछ। हर्ष की मूछ। हाँ गधे। हर्ष की मूछ गधे की पूछ। हर्ष की मूछ। सुनो हर्ष की। अरे मिल गया। गधे की पूछ। मार मार भारती मार इसके मार। हो गया हो गया। ऐसे लग रहा था हो गया। मैं आयरिश क्लब में कुछ मांग रही हूँ। मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि इसका वीजा कैंसिल करो। कहता ये पता क्या कहता था? हर्ष की पूछ गधे। ये कौन सा गधा? डिपोर्ट करो डिपोर्ट। कल बलून कटर गेम में करण और तेजस्वी ने की एक दूसरे की शिकायतें और आज शिकायतों की बारी है हर्ष और भारती की। इसकी शिकायत मैं बताता हूँ। ये एक ऐसी इकलौती वाहिद औरत है। लड़की 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 ऐसी एक लड़की है
जो पूरा दिन साफ, पता नहीं पिछले जन्म में काम वाली थी या पता नहीं कोई कोई मतलब, इसको ना ऐसा होता कि मैं पोछा मार दूं, मैं इसको साफ कर दूं, इसको गंदा मत कर। अबे टॉयलेट का कमोड तो गंदा होगा ही ना, उसको भी दिन में 3 बार साफ करना है। इसको ओसीडी है, ओसीडी। देखते हैं ये सच्चे की गलत। कोई बात नहीं, आज घर चलते डस्टबिन में खाएंगे बस। ठीक है, तेरे को साफ नहीं पसंद ना? हाँ ठीक है, हट गया। मैं तेरी जीभ खींच के यहाँ कर देनी। हाँ मैं साफ हूँ, मैं साफ हूँ, तो ये सही फूटा, मैं साफ हूँ, तू मैं साफ, तू ने बोला कर इस पे रख, मैं अभी तेरे के टॉयलेट में। अच्छा बोलेगी तू? तू जो उड़ उड़ के पाद मारता है ना। भारतीय नेशनल टीवी पे ऐसा पद पद की चट्टी की बात तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, चीख पाद डकार तीनों जीने के आधार, समझे? इसमें शर्माना नहीं। चलो बताओ अभी शिकायत। ये खाना खा लेता है पहले जल्दी, और जब मैं खाने लगती हूँ ना तो भैया ऐसी डकारे मारता है जैसे सामूहिक ग्रुप में लोग उल्टियां कर रहे हैं। और ना फिर हर डकार के बाद बोलेगा ओ सॉरी। एक टाइम था, एक टाइम था, अब मैं ऐसा नहीं करता। मैंने फैसला किया मैं अब इसके साथ खाना नहीं खाती, ये खाना बाहर खाता है, मैं बेडरूम में होती हूँ। जब मैं सुन लेती हूँ तो मैं लड़की को बोलती हूँ भैया ने खा लिया, वो भी कहती ये एकदम झूठ बात है। मैं बताता हूँ, लाइए एक ही पटा। अब मैं बताता हूँ इस लड़की की वाहियात गिरी। ये हमको बोलती है कि आज ना लंच हम बाहर करेंगे। लंच कितने बजे होता है दोस्तों? 12 बजे 1 बजे, ये 12:30 1 बजे तो निकलती है, लेकिन निकलते ही कोई ना कोई चीज भूल जाएगी। अरे गोले का ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, और खाना खिलाती है 4 बजे, और 4 बजे खाएला आदमी के मुंह से डकार नहीं तो क्या बाइक निकलेगी। 4 बजे कब खिलाया बाहर खाना? तू गुब्बारा पीछे कर पहले। पीछे कर दिया। कब खिलाया तेरे को? 4 बजे। बताता हूँ मैं, उस दिन जब हम ये बात में फोड़ते हैं, ये पता क्या करता है, जैसे अगर खाना भाई लेट हो गया, घर में बच्चा है, बैठ जाओ बेचारे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कैमरा बंद कर दो, आप लोग भी बैठो। सो जैसे 4 बजे खाना, उसका क्या रीजन है? क्योंकि कुछ बच्चे का कुछ लेट हो गया, मैं बाहर खाना खाती ही नहीं पहले, सबको पता है। इसका टोन ये होता घर में, खाना क्या है ऐसे, और मैं साहब खाना आमरस आमरस, पूरा उल्टा है घर पे, दबी रहती है मुझसे ही। तब आके रखता हूं मैं। खाना क्या है? आमरस थे, पराठा खाऊंगा पराठा। और ना फिर मतलब ऐसे जैसे आया ना कुछ ऐसा मोबाइल में कर रहा नहीं, पर मैं भी ये बोलूंगा, मैंने देखा है घर पे जब जाता हूँ इनके, तो ये भाई साहब पहले बैठते हैं, प्लेट सजा के बना के भारती लाएगी, क्या बात, खाना खाएगा हर्ष, फिर उठ जाएगा, भारती आएगी प्लेट लेने। हाँ ऐसे करता ही। यार मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन से ऐसे ही पाला है, तो मैंने तो ये बीवी है, मम्मी नहीं। अरे गोले की तो मम्मी है ना, कहीं ना कहीं कही से तो मम्मी है ना, दूर दूर से। थोड़ी इसमें फोड़ दे। अब देखना गीली तो बच गई। भारतीय एक शिकायत हर्ष के लिए। हाँ, जब आपके घर में आपका बच्चा सो रहा होता है, चाहे माँ हो या बाप हो, कोई सब ऐसे हो जाते हैं ना, ये नहीं होता, ये इतनी जोर जोर से गाने लगाता है, अब उनका वास्ता गुआ पता नहीं क्यों से रैप सुनता, बच्चा उधर सो रहा, और हमारे जो बेडरूम का दरवाजा है वो अगर ऐसा छोड़ दो ना तो ऐसे बजता है। हाँ। तो ये जैसे अभी खड़ा है ना, वॉशरूम जाएगा ना, हर दरवाजा आराम से बंद करी, गोला सो रहा। हाँ हाँ हर्ष वो चला ही गया अंदर, फिर बाहर आया और बाहर खोला, खोलने पे मैं बोल देती हर्ष ध्यान से तू कर गया। हाँ हाँ गड़म।
ये ऐसे करता, इतना कौन भूल जाता है? चलो देखते हैं सच है कि गलत। क्या बात है, मुझे लगता नहीं कि इन दोनों की और कंप्लेंटे लेनी चाहिए। और भी लो, मैं पूरी रात हो जाएगी। ये कंप्लेंटे होंगी, आप लोग घर जाओ, हम बैठे हैं इधर। बात करो, मैं पकड़ के कांप रहा हूँ इधर। भाई तुम्हारी बहुत अच्छी शिकायत है। हमारी देखना, हम तो मुंह तोड़ दे एक दूसरे का। तो हमारा बच्चा हो गया। मैं बताता हूँ इस औरत की असलियत। आप एक अलग भारती सिंह को जानते हो दोस्तों। मैं जिससे शादी की है वो भारती सिंह नहीं है जो आप टीवी में देखते हो। ये लड़की एक नंबर की बोर है। न क्लब में जाएगी, न पार्टी करेगी, न घूमने जाएगी। बस उसको वही रूम के अंदर बैठ के बस बातें करनी है। और कितनी बातें कर लेगा आदमी इसके साथ? क्या ही कर लेगा, क्या ही बात कर लूं तेरे से मैं? क्या कर लेगा अब, करके बोलता क्या कर लेगा? ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं। अब क्या ही कर लेगा भाई, तूने किया है। लाओ गुब्बारे दो। नहीं नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। और ये इतना कौन सा राइटर होता है जो टॉयलेट में बैठा बैठा फ्लश ना करे भैया? मैं सुबह सुबह उठती हूँ, अपने बच्चे को देखा और सीधा टॉयलेट गए। और वहां पे गुलाब जाम ऐसे कुछ मछली टाइप तैर रहा होता। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? करे रो। अपना बता, अपना बताती नहीं है यार। वो देखो भाई, ले जाओ तू चुप बैठ। तू कैसी पागल औरत है, भागी इधर से। इससे तो अच्छा मैं राजीव से शादी कर लेता। कर ले फिर। दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे शोज देखते हैं जहाँ पे नाच होता है, गाना होता है, कंटेस्टेंट आते हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ जजेस होते हैं, एंकर होते हैं। लेकिन बहुत कम बार ऐसे शोज आते हैं जिसमें ये कुछ नहीं होता, बट उसमें एक चीज होती है, मस्ती और एंटरटेनमेंट। दो महीने से सिर्फ हम ही ने मस्ती नहीं की है, लेकिन हमारी मस्ती को जो प्रिपेयर करते हैं, जो बैक स्टेज वाली टीम है, उनकी नींदें हराम हो गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी शो के लिए की है तो मैं जानता हूँ वो इस शो के लिए की है। बिल्कुल, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि मुझे बड़ा गम है यार कि लास्ट के एपिसोड में मैं थी, स्टार्टिंग में क्यों नहीं थी। बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब सीजन शुरू करेंगे अगला तो स्टार्टिंग में रहेंगे और इनका थोड़ा देख लेंगे। अरे मैं तो हंसाते हुए एंड करना चाहती हूँ तुम्हारी तरह इमोशनली। सो गाइस, अगला सीजन करेंगे तो ओपनिंग मैं ही करूंगी। ये फर्स्ट अपना एक्ट करके चले जाएंगे, ये स्क्रिप्ट सुना रहा होगा उधर। और गाइस स्टार यहाँ पर हो गए इंडिया। हम फिर से ऐसे ही टॉर्चर का तड़का लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करें क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता। एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल वापस आएगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कंटेंट टीम के लिए।